हेलो फ्रेंड्स, राधे फर्नीचर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये लकड़ी का रंदा बनाना बताऊंगा। ये 8 इंची का रंदा है, इसे हमने किस प्रकार से बना के रेडी किया है और ये चलने में कितना बढ़िया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये लकड़ी का रंदा बनाना आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस लकड़ी के रंदे को, काफी बढ़िया लुक दिया है हमने इसे बनाने में। अगर आपको ये रंदा बनाने की वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये सामने ये लकड़ी देख रहे हैं। आज इस लकड़ी में से हम 8 इंची का एक छोटा रंदा बनाएंगे। तो इस रंदे को बनाने के लिए बेस्ट जो लकड़ी कही जाती है वो शीशम की लकड़ी होती है। तो बनाने को आप बबूल की लकड़ी का भी बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बैंड होने का डर रहता है उस रंदे का। तो बेस्ट तो शीशम की लकड़ी है। तो चलिए फ्रेंड्स, रंदा बनाते हैं। पहले हम इसमें से 8 इंची का पीस काट के और उसकी रंदाई कर लेते हैं। तो ये हमने रंदाई करके इस वाले पीस को तैयार कर लिया है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो इसे आपको एकदम गुनिया में कर लेना है इस प्रकार से। तो ये 8 इंची तो मैंने आपको बता ही दिया कि 8 इंची ये लंबा है, और जो इसकी चौड़ाई है इस रंदे की इस प्रकार से, ये चौड़ाई हमने 2.5 इंची रखी है पूरी। और जो इसकी हाइट है ये रंदे की, ये हमने 2 इंची एक सूत रखी है। तो पहले आपको इसे नीचे से 5 इंची पे निशान लगा लेना है, और फिर 5 इंची में एक सूत कम, मतलब 4 इंची 7 सूत और 5 इंची पे आपको निशान लगा लेना है। और इसे फिर हम गुनिया से उतार लेंगे। जो रंदे का हमें ये टेपर वाला हिस्सा बनाना है, ये कितना बनाना है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो आपको यूट्यूब पे काफ़ी जने बताते हैं कि 45 डिग्री हमें रख लेना चाहिए, या 1 इंची 3 सूत या 1 इंची 2 सूत रख लेना चाहिए, वो गलत है एकदम। एक्चुअल में जो रंदे की हम इसको टेपर करेंगे ये 55 डिग्री पर होना चाहिए, वही एकदम परफेक्ट रंदा चलता है। तो उसके लिए हमने ये एक चंदा ले लिया है, इसकी सहायता से हम ये 55 डिग्री का निशान लगा लेंगे। इसे चलत गुनिया बोलते हैं, इससे निशान लगा लेंगे। अब आप देख सकते हैं ये वाला जो निशान है ये हमने उतार लिया है। ऐसे ही ये बैक साइड के निशान उतार लिए, पीछे से 5 इंची था, इससे एक सूत कम ये, और ऊपर की तरफ हमने इस प्रकार से खसाई कर दी है। ये हमारी टेक 2 इंची की है और हमारी लकड़ी 2.5 इंची की है। तो इसके अंदर से अब हम 2 सूत इस तरफ छोड़ देंगे, 2 सूत इस तरफ छोड़ देंगे। गेज की सहायता से हम इस पे निशान बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये खत के अकॉर्डिंग ही हमारी टेक आ रही है। जो ये निशान लगाई, इससे 3 सूत निशान अंदर की तरफ लगा लेंगे, जिसमें हमारी जो लकड़ी की खूंटी रहेगी रंदे की, उसे रोक के लिए लगेगा। आप देख पा रहे होंगे जो टेपर वाला हिस्सा, इससे 1.5 इंची आगे की तरफ अब हम एक निशान और लगा लेंगे। इसके अंदर से अब हम ये वाला पीस काट के निकाल देंगे खांचा करके। तो आप देख सकते हैं ये वाले सुराग हमने कर लिए हैं इसमें। अब इसमें हम आगे की तरफ से भी सुराग करेंगे। तो ये थोड़ा सा अब ये ऊपर की तरफ से करें तो खत को बचा कर करें, कि हम जब ये खुदाई करेंगे और उसकी जब फिनिशिंग करेंगे तो उसमें ये सुराग जो हमारे करे हुए हैं ये ख़त्म हो जाए। तो मैं ये वाला सुराग आपको पूरा कटिंग करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, हमने ये वाला सुराग करके रेडी कर लिया है। इस प्रकार की आप फाइल लेके और इससे भी इसे साफ कर सकते हैं। तो ये पतली वाली फाइल मेरे पास है, इस प्रकार की फाइल से आप इसका सुराग आसानी से साफ कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद में हम ये वाला कट लगाएंगे, जो हमने ये 1.5 इंची का ये कट लगाया, तो इस वाले हिस्से को काट के बाहर निकालेंगे। तो इस वाले खत को काटना है फ्रेंड्स, तो पहले मैं ये वाले खत को काट लेता हूँ। इस वाले निशान पे काटना है, जो ये हमारी ब्लेड की चौड़ाई का निशान है, और बड़ी ही सेफ्टी से बिल्कुल सीधा काटना है फ्रेंड्स। इसमें दोनों में फर्क नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। आप चाहे तो इस प्रकार की जो ये नोक वाली आरी होती है, इससे भी ये वाला कट लगा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ में, और चाहे तो इस फनर से भी लगा सकते हैं। तो इसकी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, फाइनली मैंने कटाई कर ली है ये वाली, और इसकी बैक साइड से मैंने ये कटाई कर ली है। इस वाले पार्ट को काट कर बाहर निकाल लेंगे।
तो इस वाले हिस्से को निकालने के लिए तो आपके पास में पतली वाली जो चोरसी होती है आधा इंची की वो हो, या फिर मैंने ये बिट था मेरे पास में हैमर का, इसको मैंने चोरसी नुमा बना लिया है, तो इससे भी आप इसकी सफाई कर सकते। और इसके अंदर के जो खांचा है उसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं आना चाहिए, चाहे बिल्कुल धीरे धीरे काटना पड़े। तो अब इसके अंदर हम ये डार्ट लगाएंगे पहले, फिर उसके बाद में ये आगे का काम भी करेंगे। इस रंदे की डार्ट बनाने के लिए ये एक लकड़ी का पीस मैंने ले लिया है, इतनी ये चौड़ाई है, इसके अकॉर्डिंग हम इसे चीरेंगे। तो ये पीस काट के हमने रेडी कर लिया है। तो इधर से हम तकरीबन 3 इंची ले लेते हैं इसकी हाइट, और इधर से इसकी 1.5 इंची ले लेते हैं, और जो इसका 0 पॉइंट है इससे इसे मिला देंगे। इस प्रकार से, और अब इसका हम कट लगा लेंगे। तो इसका कट आरी से ही लगाएं, कटर मशीन वगैरह से लगाने की कोशिश न करें, जिससे हमारे लगने का ज़्यादा खतरा रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब इसके अंदर जो ये हमने ये लगाया है, इसके इधर से निशान ले लेंगे इसमें, इस प्रकार से। तो कुछ इस प्रकार से गुलाई का शेप देंगे इसमें, और ये वाला कट देना है इसमें। तो इस प्रकार से आपको ये कट दे लेना है, जिससे आपका बुरादा बिल्कुल भी अलग नहीं इसमें। तो फ्रेंड्स, हमने ये फाइनली तैयार कर लिया, आप देख पा रहे होंगे, जो हमने ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट सुराख किया है, इसको हम यू टेपर में करेंगे कि इसमें बुरादा अलजेगा नहीं। तो इस पर हमें ये 65 डिग्री का निशान लगाना है फ्रेंड्स, और इसमें नीचे की तरफ से हमें 1.5 इंची पे एक निशान लगा लेना है, कि 1.5 इंची तक तो हमें ये सीधा ही रखना है, और इसके बाद में इसे टेपर करना है। इस वाले निशान को आगे तक ले जाएंगे इस प्रकार से, जो हमारा ये वाला पॉइंट है इससे और इस वाले पॉइंट को मिलाना है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये आपको बताया था, ये सुराख करके साफ कर लिया है, कि ये पट्टी इधर से तो 250 सूत है और अंदर की तरफ से 0 है, जो इधर आके मिल जाती है बिल्कुल। अगर आप इस पट्टी को इस प्रकार से टेपर करके करेंगे तो आपका बुरादा बिल्कुल भी नहीं अलझेगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने इसके रेगमाल लगाकर बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब जो ये नीचे का पोर्शन हमारा बचता है, इसको हमें सीधा करना है। तो उसके लिए, सीधा करने के लिए हमें फ्रेंड्स एक प्लेन सरफेस के ऊपर, जैसे मैंने ये रेगमाल का पीस चिपका लिया है कागज वाले का, इस प्रकार से आप चिपका सकते हैं। इसमें इधर पैन का निशान दिख रहा है, ये दिख रहा, और इस तरफ से अब ये मिटल चुका है, इधर से मिटल चुका है, इसका मतलब अभी इसमें फ़र्क है। तो जब तक ये ठीक नहीं होगा हमारा, जब तक हम इसे घिसते रहेंगे। जिस प्रकार से फ्रेंड्स मैं आपको रंधा बनाना बता रहा हूँ, कोई भी नहीं बताएगा, तो आप इस प्रकार से रंधा बनाएं, आपका रंधा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, और बिल्कुल भी नहीं भरेगा, और बढ़िया चलेगा, सीधी लकड़ी करेगा एकदम। जैसे मैंने इस रंधे के नीचे के पोर्शन में मैंने स्टील की एक प्लेट लगा रखी है, और इन्हें पेचों से लगा रखा है, प्लेट भी इस पे सेट कर सकते हैं नीचे वाले पोर्शन में। तो इस समय फ्रेंड्स मेरे पास में ये स्टील की प्लेट नहीं है, तो मैं इसके नीचे की तरफ सनमाइका का पीस लगाऊंगा। अब जो इसका ये वाला खांचा है, इसको निकाल लेते हैं हम चोरसी से। तेल लगाने से फ्रेंड्स कभी रंधा तरेड़ भी नहीं खाता, और इसकी लाइफ लॉन्ग ही होती है। तो इसे अब हम 3-4 घंटे के लिए धूप में रख देंगे, उसके बाद इसका मैं आपको चला के डेमो दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इससे रंधाई काफी बढ़िया हो रही है, और लंबा लंबा बुरादा निकल रहा है। तो आप भी इस प्रकार से ये 8 इंची की रंधी बना सकते हैं, और इसे बनाना भी काफी आसान है। तो इसे आप बड़ी ही सरलता के साथ में बना सकते हैं, जैसे जैसे मैंने बताया आप वैसे बनाइए।
ये रंधी एकदम ऐसे परफेक्ट बनेगी जैसे मैंने बनाई है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कितना आसान था ये 8 इंची के रंधे को बनाना। मुझे उम्मीद है कि आप अब इस 8 इंची के रंधे को बड़ी ही आसानी से बना पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय।